हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम है मयंक द्विवेदी और आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जुगाड़ से। बात शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ये लेक्चर नंबर फोर है। बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने NVS PGT TGT के ऊपर आपके तीन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए पहले। आपको मेरी प्लेलिस्ट में सारे जितनी भी डिटेल्स वीडियो से मिल जाएंगे और ये है फोर्थ लेक्चर। सो आपसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि आप वो तीन वीडियोस देखिए, फिर फोर्थ को आइए देखिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन ऑफ फोर्थ लेक्चर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, कह रहा है CR डिनोट करता है कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR, ठीक है? आपका NCR है जिसको CR लिखा गया है। वी कैन रिप्रेजेंट NCR एज CR एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन दैट इज C1 अपॉन C0 प्लस 2C2 अपॉन C1 प्लस सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज NCN अपॉन CN माइनस 1, ठीक है? एंड योर ऑप्शंस आर NN प्लस 1 बाय 2, NN माइनस 1 बाय 2, N स्क्वायर बाय 2 एंड NN प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। देयर आर फोर ऑप्शंस। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर। इस क्वेश्चन को अगर आप कंसेप्ट से करोगे आप कर सकते हो, ठीक है? आपने NC1 की वैल्यू लिखना है, NC2 की लिखना है और सॉल्व करना है। लंबा प्रोसेस है पर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? बट ये इस प्लेटफॉर्म को जिस लिए आप आए हो कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले वो बताता हूँ। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड में कैसे कर सकते हो वो भी बिना पेन लगाए वो सीखते हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आपका NCR काफ़ी लंबा दिया हो, आप क्या करना है आपको, और ये जो जुगाड़ मैं बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ NCR तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में भी एप्लीकेबल है। सो जुगाड़ क्या है, आप कुछ ना करिए। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि NC1 बाय NC0 प्लस 2 NC2 अपॉन NC1 एंड सो ऑन चलता आ रहा है, ऐसे ही तो है ना। आपको करना क्या है, आप N की जगह 1 रख दीजिए। आपने क्या किया, N इक्वल टू 1 रख दिया। अगर N इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया, 1C0 प्लस 1C0 सॉरी 1C1 अपॉन 1C0, सो दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? अच्छा 1C2 तो हो नहीं सकता बिकॉज आपको रूल पता है कि अगर NCR है सो N ऑलवेज ग्रेटर देन R होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बट N छोटा नहीं हो सकता, तो ये सारे टर्म्स तो हट जाएंगे। सिर्फ आप N इक्वल टू 1 रखे। आपने N इक्वल टू 1 कहाँ रखा, यहाँ रखा, सॉल्व किया, 1 आया। अब आप ऑप्शंस में चेक करो N इक्वल टू 1 रखने पर किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। तो अगर आप ये चेक करोगे तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इन दो ऑप्शंस में 1-1 आ रहा है पर इन दोनों ऑप्शंस में 1-1 नहीं आ रहा। तो यानी आपने सिर्फ 5 सेकेंड में ये पता कर लिया कि ये दो ऑप्शंस तो होंगे नहीं, ठीक है? गाइज सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया विद इन 5 सेकेंड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट N इक्वल्स टू 2 टू गोइंग फर्दर, ठीक है? आपने N इक्वल टू 1 रख के चेक किया, दो ऑप्शन चले गए। अब इनमें से जो आंसर होगा, आपने N इक्वल टू रखा, N इक्वल टू रखिए तो क्या आएगा, 2C1 अपॉन 2C0 प्लस 2 इंटू 2C2 अपॉन 2C1 ये आएगा। इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, क्यों नहीं, बिकॉज फिर वही कंडीशन कि N बड़ा हो जाएगा, सॉरी R बड़ा हो जाएगा N से। सो 2C1 इज 2 एंड दिस 2 इंटू 1 बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 1 इज 3। N इक्वल टू रखे 3 आना चाहिए। अब अगर आप N इक्वल टू रखो यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ रखिए 2 रखिए 3 रखिए, कितना आ रहा है, 3 रहना है आपका। आपने 2 रखा, 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आ गया आपका 3। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ मेनी नंबर्स इन अ सेट सेटिस्फाई द कंडीशन दिस एंड दिस, देयर आर टू कंडीशंस विद सेटिस्फाई। आपको निकालना है कितने इसमें से नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों सेटिस्फाई करेगा, दो नंबर ऐसा होगा, तीन नंबर होगा या चार नंबर होगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है हार्ड कोर मेहनत करनी है, बट हाँ छोटी सी बात है जो आपको बता देता हूँ पहले मैं, कि गाइज अगर आपको कोई निगेटिव नंबर मॉडल्स में डालते हो लाइक -3 तो बाहर एक पॉजिटिव नंबर आता है हमेशा। बाहर डाल दिया आपने मॉडल्स के अंदर डाल दिया -10, बाहर निकल गया 10। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, पर नेगेटिव डालोगे तब भी बाहर पॉजिटिव आएगा। ये छोटी सी बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म है। क्यों, आपने -4 रखा, कितना आ रहा है 8, क्या 8 6 से छोटा है, नहीं। -3 रखो, -3 -4 -7, mod 7 आ गया, 7 छोटा है 6 से, नहीं। 2 रखो, 2 -4 इज 2,
टू लेस देन सिक्स सेटिस्फाई कर रहा है. अब यहां चेक करो, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स छोटा है नहीं. तो ये टू जो ऐसा था ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था पर इसको नहीं कर रहा था. और हमको कौन सा चाहिए जो सेटिस्फाई द कंडीशंस, दोनों को करना चाहिए. तो टू जो है इसको तो कर रहा था पर इसको नहीं कर रहा था, इसलिए कैसे लौट हो गया. जीरो रखिए यहाँ पे. फोर लेस देन सिक्स हाँ होता है, फोर लेस देन फाइव होता है. सो वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आइए फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज बेस्ड ऑन लिमिट. इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड योर ऑप्शंस आर फाइव फोर सिक्स एंड टू. कैसे करेंगे तो गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक जुगाड़ दे रहा हूँ, उसको आप कर लो, पढ़ लो. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए लगा दीजिए आंसर आपका 5 सेकंड में. और अगर थोड़े सा आपकी मैथ्स अच्छी है तो बिना पेन लगाए आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए. कभी भी ऐसा लिखा आपको एज एग्जाम में, आप कुछ ना करो, एन ए एन माइनस वन ये छोटी सी फॉर्मूला लर्न कर लो. क्या एन जो लिखा हो वो लिखो, ए और एन माइनस वन, प्रोवाइडेड जो यहाँ पे लिमिट दी होती है वो सेम होनी चाहिए. ये ना हो यहाँ पे 3 हो यहाँ पे 4 हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, जो नंबर यहाँ पे हो वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए. तो आप n लिखो यानी जो डिग्री है, a लिखो जो एलिमेंट है, और n माइनस वन लिखो. सो अगर ये लॉजिक मैं इस क्वेश्चन में लगाता हूँ, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस 3 दिस शुड बी इक्वल टू n 3 n माइनस 1. यही होगा ना, n 3 n माइनस 1. अब आपको पता है कि n 3 n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 108. नाउ अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव फोर ऑप्शंस, आप वन बाय वन पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा, अगर मैं आपकी जगह होता, आप ये नंबर देख रहे हो, आप अगर n की जगह 5 रखोगे तो क्या 5 से डिविजिबल है नंबर, नहीं है, तो यानी 5 ऑप्शन तो होगा नहीं. ठीक है, अच्छा ये 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है. ठीक है, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, मैंने चूज कर लिया 4. अगर आप 4 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 पावर 3 ये तो आएगा ना, कितना हो गया 4 इंटू 27 ये हो गया, 7 4 जा 28, 4 टू जा 8 प्लस 2 10 108 आ गया आपका आंसर. सो 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. सो दैट इज द इक्वेशन एक्स टू द पावर इतना इक्वल्स टू 25 होल्ड्स फॉर एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं बट आई एम गोइंग टू टेल यू द ईजिएस्ट अप्रोच. ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ये होती है कि x टू द पावर log x a इज इक्वल टू a होता है. अगर छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका खत्म है. ये जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था इस क्वेश्चन को 90% बच्चों ने कर लिया होगा, बिकॉज ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है. और अगर नहीं कर पाए हैं तो गाइज प्लीज़ log वाला जो मैंने वीडियो बनाया है एक, और आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए. लगभग अब तो मैंने 12 वीडियो बहुत अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं, आप उन वीडियोज़ को देखिए, इससे आपको नॉलेज ही बढ़ेगी. ठीक है, और नए नए जुगाड़ सीख पाओगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीख पाओगे कि क्वेश्चंस को जल्दी कैसे अटेंड करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है अगर, तो आप इस चीज़ को इस पर लगाओ. आपके क्वेश्चन में जहाँ पर a है वहाँ पर गिवन है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस शुड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. और ये दिया हुआ है किसके इक्वल, 25 का. 25 होता क्या है, 5 का स्क्वायर होता है ना. सो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, सो 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड कर रहा है डिफरेंट डिग्री के ऊपर. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पीजीटी टीजीटी का है. अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मैंने इंटीग्रेशन एक टॉपिक में पढ़ाया है जिसमें मैंने बहुत सारे जुगाड़ बहुत सारे आपको ट्रिक्स दिए हैं. उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो 5 सेकंड 4 सेकंड, या हो सकता है आपने ओरली टिक कर भी दिया हो अब तक ऑप्शन जो भी इसमें से आंसर है. बट अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगा. अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझना है इंटीग्रेशन का तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. देखिए गाइस, एक आपको जुगाड़ दे रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस फॉर्मेट क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए, आपको कुछ नहीं करना होता है. जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है,
अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, बाई टू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब व्हाट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर इस फॉर्मेट को देखें, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज व्हाट ए प्लस बी माइनस एक्स। सो दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, व्हाट इज योर ए टू, व्हाट इज योर बी टू। सो बी फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए, सो बी माइनस ए बाय टू, थ्री माइनस टू बाई टू इज वन बाय टू एंड वन बाय टू आपका ऑप्शन फोर्थ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस कैसा लगा आज आपको मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, मेरे प्रीवियस वीडियो जो अभी तक आप मैंने अपलोड किए हैं अगर नहीं देखा हो तो गाइस प्लीज गो एंड वॉच एंड जस्ट शो योर लव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।